खड़े नमक की तरह दिखने वाली फिटकरी से न केवल स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि कई समस्याओं को खत्म कर सकता है। खून रोकने से लेकर पानी साफ करने तक फिटकरी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। यही वजह है कि आफ्टर सेव कई भारतीय फिटकरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एंटीसेप्टिक गुणों के अलावा फिटकरी के कई और उपाय महत्व रखते हैं। दरअसल फिटकरी के टोटके आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार फिटकरी के छोटे से उपाय आपके लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। इसके उपाय करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता के साथ कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपकी कई सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं। शुरू करते हैं पहले टोटके से। पहला टोटका है बरगद के लिए। इसके लिए अपने घर या कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर एक काले कपड़े में फिटकरी बांध कर लटका दें। इससे आपके घर में बरकत बढ़ने लगेगी। दूसरा टोटका है धन प्राप्ति के लिए। इसके लिए रोज रात को सोते समय अपने दांत फिटकरी से साफ करें। थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आपको धन लाभ होना शुरू हो गया है। इसके अलावा फिटकरी के पानी से स्नान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अगला यानी कि तीसरा उपाय है बुरे सपनों के लिए। अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो बिस्तर के नीचे काले कपड़े में फिटकरी बांध कर रख ले। इससे बुरे स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। वहीं अगर आपके घर में कोई बच्चा सोते हुए डरता है तो किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहाने पर रख दे। रात में बच्चे को सोते समय बुरे सपने नहीं आएंगे। चौथा टोटका है परिवार में बढ़ रहे झगड़ों के लिए। इसके लिए रात्रि में घर के मुखिया के पलंग के नीचे एक लोटा पानी में फिटकरी डालकर रख दे और सुबह अपने इष्ट देव के नाम का उच्चारण करके वो जल पीपल को चढ़ा दे। इससे पारिवारिक कलह दूर होंगे और घर में सुख शांति बढ़ेगी। पांचवे उपाय के तौर पर बाथरूम में फिटकरी से भरा एक कटोरा रखें। हर महीने इस कटोरे की फिटकरी को बदलते रहें। ये कटोरा आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है और आपके घर में खुशी का माहौल बना रहता है। छठा टोटका नजर से बचने के लिए। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसे लिटाकर फिटकरी का टुकड़ा लेकर सिर से पांव तक 7 बार वारें, फिर फिटकरी के टुकड़े को आग में डालते। जैसे जैसे फिटकरी आग में जलेगी वैसे वैसे बुरी नजर का असर खत्म होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं कारोबार में कामयाबी की। इसके लिए 5 टुकड़े फिटकरी के एक कमर में बांधने वाला बेल्ट 9वीं के दिन देवी को चढ़ा दे। 10वीं के दिन बेल्ट को किसी कन्या को दे दे। बहते पानी में डालें और फिटकरी के टुकड़ों को संभाल कर रख लें। फिटकरी के टुकड़े अपने पास रखेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। 8वां उपाय कर्जे से मुक्ति के लिए है। एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर बांध कर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा दें। ये कार्य 3 बुधवार करेंगे तो कर्ज मुक्ति में लाभ मिलेगा। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।